ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। कोरोना काल ने बहुत कुछ बदला है। मिलने मिलाने का अंदाज़ तो बदला ही है, काम करने का तरीका और कारोबार करने का तरीका भी बदला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लगता है कि अब हमें भी बदलना पड़ेगा। इसी को महसूस करते हुए भारत विकास परिषद मध्य दिल्ली ने एक नई शुरुआत की है डिजिटल मार्केटिंग की। तो वो शुरुआत क्या है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष गुप्ता जी, दिल्ली प्रांत के ये कोषाध्यक्ष हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली दर्पण टीवी पे। क्या, कैसे मन में आया कि इस तरह की डिजिटल मार्केटिंग का कुछ शुरू किया जाए, क्या शुरुआत आप करने जा रहे हैं? देखिए, कोरोना काल में इस बीमारी से आज जैसे कि आप जानते हैं पूरा विश्व घुटने पे है और इसका सबसे बड़ा असर व्यापार पे और नौकरियों पे पड़ा है। और ख़ास तौर पे छोटे व्यापारी बहुत दुखी हैं, जो किराए पे दुकानें थी, 3 महीने 4 महीने व्यापार न चलने के कारण उन्हें दुकानें छोड़नी पड़ी। कई लोगों को माल सस्ते में बेचना पड़ा और कई लोगों के पास आज भी माल पड़े। तो हम एक ऐसा माध्यम देने वाले हैं, ऐसी 2 महीने की ये ट्रेनिंग है जिसके अंदर जो नौकरी करना चाहे तो ऑनलाइन मार्केटिंग की लाइन में नौकरी कर सकता है और जो छोटा व्यापारी है वो अपना माल ऑनलाइन बेचने का प्रयास कर सकता है। ऑनलाइन माल कैसे बेचा जाए, उसको प्रोडक्ट को कैसे रजिस्टर कराया जाए, किस रेट में बेचा जाए, कितनी रिटर्न आता है माल, कितना, जो सारी इसकी डेलिकेसीज हैं वो सारी समझाई जाएंगी। कह सकते हैं कि ऑनलाइन दुकान चलाने का तरीका आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑनलाइन दुकान जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उस पर अपना माल बेचना है। हम अपना भी एक ई स्टोर बना रहे हैं जिसके अंदर हम अपने जो कार्यकर्ता हैं उन सबके प्रोडक्ट भी डाल करके इन्हीं को जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं उसी के अंदर नौकरी देने का भी प्रावधान रखेंगे। लगता है कि डिजिटल का ज़माना है तो दुकानदारी भी इसी तरीके से होगी। कितना बड़ा स्कोप आप देख रहे हैं, अगर कोई मार्केटिंग का आपका कोर्स करता है उस बच्चे के लिए क्या क्या स्कोप आप देख रहे हैं? देखिए, ऑनलाइन मार्केटिंग का स्कोप और ऑनलाइन बाज़ार का स्कोप किसी से छुपा नहीं है और ये बाज़ार और बढ़ने वाला है। चाइना के हमने कई ऐप बंद कर दिए, जो सबसे बड़े 2 ऐप थे, क्लब फैक्ट्री और एली एक्सप्रेस, वो बंद हो चुके हैं। तो अब और ऑनलाइन मार्केटिंग के ऐप्स अपनी जगह बनाएंगे। जो भारत के ऐप हैं वो बढ़ेंगे, जैसे रिलायंस है और है, वो सब ऐप्स ला करके अपनी मार्केटिंग करेंगे। इसके अंदर और नौकरियां खुलेंगी तो उन नौकरियों के लिए एलिजिबल बनाने के लिए हम लोगों को ये स्पेशल ट्रेनिंग देने वाले हैं। इसके अंदर टेक पीठ नाम की संस्था, उनके साथ हमने टाई अप किया है और बहुत ही उसके अंदर बढ़िया IT प्रोफेशनल्स इसकी ट्रेनिंग देंगे। जी, कैसे मन में आया, कैसे सोचा भारत विकास परिषद ने कि इस तरह का काम किया जाए और इस, क्या इसकी ज़रूरत को महसूस किया? क्योंकि अलग तरह का क्षेत्र है, कारोबार करने का मामला अलग है, भारत विकास परिषद का जो काम करने का तरीका है, जो कंटेंट है, वो एक अलग चीज़ है। तो कैसे मन में आया कि डिजिटल के लिए उनको क्वालिफाइड बनाया जाए, उनको जानकारी दी जाए? देखिए, हम एक स्वयंसेवी संगठन है। स्वयंसेवी संगठन का काम होता है कि समाज में जो कमजोरी आ रही है उसके अंदर अपनी तन मन धन लगा करके उस कमजोरी को दूर करें। आज सैनिटाइजर, काढ़ा वितरण और मास्क वितरण, ये सब स्वयंसेवी संगठन कर रहे हैं। पर असली जो विषय है, आज व्यक्ति अपने रोजगार के लिए दुखी है। तो अगर हम वो रोजगार नहीं दे सकते तो हम उस रोजगार के काबिल तो लोगों को बना सकते हैं। तो इसलिए हम केवल ये 2 महीने का कोर्स 1000 रुपये में करा रहे हैं और कोई अगर व्यक्ति नहीं दे सकता, जैसे सेवा भारती को हमने इसमें अपने साथ जोड़ा है, तो 500 रुपये में भी ये कोर्स करा सकते हैं। और फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो बिल्कुल ही आज देने में असमर्थ है तो हम ये निःशुल्क भी कोर्स उनको कराएंगे। तो फायदा हमारा बिल्कुल भी इसके अंदर उद्देश्य नहीं है। तो समाज में जो एक कमी आ गई है जिसके अंदर स्वयंसेवी संगठन किसी तरीके से भी अपने आप को डालकर समाज की सेवा कर सके, यही भारत विकास परिषद का उद्देश्य है। और भारत विकास परिषद हमेशा इनोवेटिव तरीके से समाज की सेवा करता है और ये भी उनमें से एक तरीका है। तो कब से ये शुरुआत होने जा रही है, कहाँ से सेंटर होगा, कैसे बच्चे इनरोल करें, क्या इस तरह की पब्लिसिटी भी आप कहीं कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ सकें, इसका लाभ उठा सकें? 21 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और इसकी पब्लिसिटी हमने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक,
ट्विटर इन सब जगह की है और मीडिया हाउसेस के माध्यम से भी हम इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। ऑल्टरनेट डेज क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास रहेगी। जब कोरोना काल ख़त्म हो जाएगा और जब फिजिकल क्लासेस हो सकती होंगी तो सेवा भारती के 32 सेंटर हमें उपलब्ध रहेंगे पूरी दिल्ली के अंदर ये वाली क्लासेस करने के लिए। तो बिल्कुल, ये थे आशुतोष जी। बात चाहे सेवा भारती की हो, भारत विकास परिषद की हो, विश्व हिंदू परिषद की हो, RSS की तमाम इकाइयाँ इस कोरोना काल में बढ़ चढ़ करके समाज सेवा में लगी रही हैं और उन तरीकों को और उनको भी पहचाना है कि आप समाज की ज़रूरतें क्या है और इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। और आप भी चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लेकर के, डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस लेकर के आप अपना खुद का कोई ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं या कहीं नौकरी कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा और इस कोर्स में इनरोल होइएगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV।